हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक्षा आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में आपको बताने वाली हूँ वह सकलेंट वैरायटी का प्लांट है। दोस्तों, यह प्लांट कई कलर में आते हैं, जैसे कि वाइट, रेड, पिंक, येलो। दोस्तों, इसे 9 o'clock फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह सुबह के 9 बजे खिलते हैं और शाम को 4 बजे होते ही यह फ्लावर बंद होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोग जाने गए होंगे किस प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। दोस्तों, वह प्लांट है पाचुला का प्लांट। दोस्तों, यह बहुत ही टिपिकल समर प्लांट है। यह बहुत ही कम पानी में भी इसे हरा भरा रहता है। इसको धूप ना मिले तो इसकी जो फ्लावर है वो खिलेंगे नहीं। यह प्लांट दोस्तों गर्मी में ही अत्यधिक हरा भरा रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठंड का मौसम था तो हमारे यह प्लांट डोरमेसी में चला गया था। डोरमेसी में से ये उठा है तो अभी इसकी मार्च के महीने में इसकी देखिए ग्रोथ चालू हो गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इस प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र हम दें जिससे इसकी ग्रोथ भी होने लगे और इसमें कलियाँ बनने और इसके फ्लावर भी आने लगे। तो और मैं इसके प्रोपेगेशन का भी तरीका आपको बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए पहले तो मैं आपको बता दी इस प्लांट के प्रोपेगेशन का तरीका। दोस्तों, हम इसे नर्सरी से भी लाके लगा सकते हैं या फिर हम इसे सीड से भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इसको कटिंग से कैसे लगाते हैं। दोस्तों, कटिंग में तो ये कैसे ही भी लग जाता है या फिर कहिए तो जैसे बन तैसे लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसको कटिंग से लगाते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से आप इस प्लांट की इस लंबी सी डाल को काट लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपने मदर पॉट लगा प्लांट से यह मैंने कुछ टहनियाँ काट ली है। आप दोस्तों इसके 3 से 4 इंच लंबे कटिंग को ले लीजिए। ये देखिए मैंने लिया है। अब दोस्तों चलिए इसको लगाते हैं। पहले तो हम ये करेंगे, हमने जो 3 से 4 इंच की कटिंग ली है उसे हम नीचे से 1 इंच तक इसकी जो पत्तियाँ हैं ये देखिए इसको साफ कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ तो इसे सजन बूटी भी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने ये जो अपनी कटिंग है तैयार कर ली है। अब चलिए इसके सॉइल मिक्स के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, मैंने सॉइल मिक्स पहले से ही बना के तैयार रखी है। तो मैंने दोस्तों इसमें 50% गार्डन सॉइल ली है और मैंने इसमें 40% बालू लिया है, 10% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। दोस्तों, मैंने ये सब इसलिए बनाया है क्योंकि इससे इसकी जो मिट्टी है भुरभुरी और पोरस रहेगी और इसमें जब हम पानी डालेंगे जो पानी है वो आराम से नीचे चला जाएगा, इसमें पानी जमेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा पाचुला का प्लांट है वो बहुत सकुलेंट प्लांट है क्योंकि यह पानी को अपनी पत्तियों में स्टोर करके रखता है, तो हमें इसके ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आप सभी लोग ओवर वाटरिंग से बचें। अगर इसमें ज़रा भी ओवर वाटरिंग हुई तो यह प्लांट जो है सड़ जाएगा, इसमें फंगस लग जाएंगे। दोस्तों, हमने ये रूटिंग हार्मोन पाउडर लिया है तो हम अपने इस कटिंग को इसमें डिप करके अपने सॉइल मिक्स में लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसको लगाने से हमारी जो कटिंग की जड़ें हैं बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और हमारा जो कटिंग है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा। देखिए दोस्तों, हमने अपने जो कटिंग है हैंगिंग पॉट में लगा दी है। दोस्तों, हमने इसके लिए हैंगिंग पॉट इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों जब यह पूरे घास की तरह फैल जाएगा, जब इसमें फ्लावरिंग होने लगेंगी तो यह प्लांट जब आप अपने बालकनी में टांगेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमने यह अपने कटिंग जो है इसमें लगा दी। अब हम इसमें पानी दे देते हैं। देखिए आपने, हमने इसे कटिंग के थ्रू लगा ली है और कम से कम ये 1 हफ्ते में आपका जो कटिंग है वो पेड़ बनके तैयार हो जाएगा और उसमें अच्छे अच्छे फूल भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, पाचुलका में कौन से फर्टिलाइज़र दें कि हमारा जो प्लांट है वह तेज़ी से ग्रोथ करे और उसमें कलियां और ढेर सारे रंग बिरंगे फूल आए। तो दोस्तों, आप तो जानते ही है क्या है, यह है गोबर का उपला। तो दोस्तों, हम इस गोबर के उपले से एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे जो हमारे पाचुलका के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और हालाँकि कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कारगर और अच्छी होगी। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, इस गोबर के उपले को कम से कम 1 लीटर के पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगा के रख देना है। तो दोस्तों, यह गोबर का उपला मैंने इसको भिगा के 4 से 5 घंटे के लिए रख दूंगी।
दोस्तों 4 से 5 घंटे हो गए हैं और हमारा जो है लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गया है, जो कि हमने गोबर की उपले की बनाई थी। आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है, जो हमने ये उपले डाले थे उसे निकाल लेना है। ये दोस्तों जो हमने उपला डाला था इसमें, वो पानी के साथ मिलके अपने सारे पोषक तत्व तो पानी के साथ छोड़ चुका है। देखिए दोस्तों हमारे फर्टिलाइजर पे कितना अच्छा कलर आ गया है। चलिए अब हम इस लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने पाठ्यलाफा के प्लांट में देते हैं। दोस्तों अगर यह लिक्विड फर्टिलाइजर बना के अपने पाठ्यलाफा के प्लांट में आप देते हैं तो आपका जो प्लांट है वो तेजी से ग्रोथ करेगा, उसमें अच्छे अच्छे नए नए फूल आएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये देखिए मैंने अपने सारे पाठ्यलाफा के प्लांट में ये मैंने फर्टिलाइजर बना के दे दिया है। दोस्तों आप चाहे तो इसे 15 दिन बाद दोबारा रिपीट करके इस लिक्विड फर्टिलाइजर को बना के अपने पाठ्यलाफा के प्लांट में दे सकते हैं। आप देंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और उसमें नई नई शाखाएं बनेंगी और उसमें ढेर सारी कलियां बनेंगी और उसमें नए नए फूल भी आएंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, जो मैंने फर्टिलाइजर बनाया है वो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।